सो हे गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है 8 जनवरी को। तो बहुत से जो लोग हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या हम केवल क्लास 6 और क्लास 9 में ही दे सकते हैं, क्या हम आगे क्लास 11th में एडमिशन नहीं ले सकते हैं उसका एग्ज़ाम के द्वारा, या कोई और प्रोसेस है, तो वो आप हमें बताइए। तो आज का इस वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि क्लास 11th में जो है हम सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, या अगर होगा एडमिशन तो भी किस प्रोसेस से होगा, क्या एग्ज़ाम हमें देना पड़ेगा या फिर मेरिट बेस पर होगा। तो उस चीज़ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है सैनिक स्कूल में, कोई भी सैनिक स्कूल में। सबसे पहले तो वैकेंसी यानी कि सीट्स होनी चाहिए उतनी। तो सीट्स खाली कैसी होती है ये मैं बता देता हूँ कि क्लास 6th में जिसने एडमिशन लिया, क्लास 9th में एडमिशन लिया, तो क्लास 9th के बच्चे या क्लास 6th के बच्चे, मान लीजिए कुछ क्लास जो है पढ़ के अगर वो छोड़ देते हैं, क्लास 9th के बच्चे 10th तक पढ़े फिर वहाँ से सैनिक स्कूल से निकल गए, तभी जो है वैकेंसी होती है स्कूल से और तभी जो है फॉर्म निकलता है। ठीक है, तो फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म निकल और सीट्स जो है ना वो बहुत कम सीट्स होती है, 2-3 सीट्स, तो बहुत ही कम सीट्स होती है। तो क्लास 11th में जो है बहुत ही कम सीट्स मिलती है बच्चों को एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल में। सो फ्रेंड्स, जो फॉर्म है, फॉर्म डेट है वो है जुलाई में, क्लास 11th में एडमिशन के लिए बच्चों को जो है 11th में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए जो फॉर्म है वो जून या जुलाई में रिलीज़ होता है। उसी वक्त वो कहाँ रिलीज़ होगा, तो सैनिक स्कूल का एक ऑफिशियल वेबसाइट है sa.nta.nic.in, इसी पे हम लोग जो है हर साल जो है मेरिट लिस्ट जो भी रिलीज़ होता है इसी पे आता है, तो हम लोग इसी पे देखते हैं। तो इसी पे जो है जो सैनिक स्कूल क्लास 11th का जो है फॉर्म डेट वो रिलीज़ होगा, फॉर्म रिलीज़ होगा, यहीं पे आपको जो है फॉर्म भरना रहता है। अब बात करते हैं कि कैसे जो है हमें इसमें प्रोसेस क्या रहता है अंदर जाने का, या फॉर्म भरने के बाद क्या करना पड़ता है। तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें क्लास 10th का मेरिट लिस्ट, मेरिट बेसिस पे जो है एडमिशन होता है, क्या आप कि आपका कितना मार्क्स आया क्लास 10th में। तो ऑब्वियसली अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इसमें क्लास 10th में भी काफ़ी हाई मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा अगर क्लास 11th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। मिनिमम 90% से ऊपर तो आना चाहिए, अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 90% से ऊपर आपको मार्क्स आने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं मेरिट बेसिस पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भी देखते रहते हैं कि मेरा भी एडमिशन हो जाए क्लास 11th में। तो अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, तो आप जुलाई या जून तक वेट कीजिए, तब आपको जो है फॉर्म निकलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि अगर वैकेंसी रहेगी तभी निकलेगी। ठीक है, कोई बच्चा छोड़ के जाएगा या कोई भी बहुत ऐसे रीज़न हो जाते हैं जिससे वैकेंसीज हो जाती है, तो जो है फॉर्म निकलता है जून या जुलाई के मंथ में। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरिट बेसिस पे जो है वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा जून या जुलाई तक, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप अपना प्रिपरेशन कीजिए और मार्क्स लाइए 90 एवब, या जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइए, ताकि आप जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन पा सके क्लास 11th में। ठीक है, तो ये था प्रोसेस, टोटल प्रोसेस की क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 11th में बहुत ही कम बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल ही नहीं है क्लास 11th में, इसलिए क्लास 11th का कोई जिक्र भी नहीं होता सैनिक स्कूल के लिए। वो फॉर्म भी आते हैं कुछ दिनों के लिए, बहुत ही जल्दी फॉर्म पोर्टल को बंद भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस क्लास 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं इस तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर मिलती रहती है।